गांव में सड़क का रोड का सुविधा थोड़ा नहीं है और बोर वाटर की सुविधा कम ही है। अच्छा। और पटवारी नहीं आता है और सस्ती भी नहीं आता है गांव में। रोड आएगा यहाँ पे तो अच्छा रहेगा क्या? रहेगा सर, रहेगा सर। और बिजली बिजली आ गई तो फिर? बिजली वगैरह आएगा तो अच्छा ही रहेगा सर। नक्सल प्रभावित इलाके के लिए सड़क एक काफ़ी बड़ा एक सौगात होते हैं। ये एक बार सड़क बनने के पश्चात अन्य जो मूलभूत सुविधा जैसा बिजली आपूर्ति है, जैसा पीडीएस शॉप है, आंगनवाड़ी केंद्र है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और अन्य जितना भी मूलभूत सुविधा ग्रामीण को उपलब्ध सरकार कराना चाहते, सड़क बनने के बाद ये सब सुविधा ग्रामीण तक पहुँचाने में हमको सफलता मिलते हैं। और पहले जैसा इन इलाके में एम्बुलेंस तक भी नहीं पहुँच पाते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स है गाँव में जाकर अपना काम नहीं कर पा रहे थे और बच्चे लोग का पढ़ने के लिए बिजली लाइट नहीं रहते हैं, इस टाइप के कठिन जो परिस्थिति में जनता को एक जीवन यापन करना पड़ते। लेकिन सड़क बनने के बाद धीरे धीरे एक एक करके ये सब मूलभूत सुविधा ग्रामीण को उपलब्ध हो जाते, इससे काफ़ी एक सकारात्मक परिणाम खासतौर पर आने वाला युवा पीढ़ी के लिए काफ़ी एक अच्छा एक माहौल निर्मित हो रहा है।